पर आज दिन तक आपने सिर्फ ईंटों से या फिर पत्थरों से ही घर को बनाया होगा, लेकिन कई आज मैं इस कॉपी के कागज की मदद से इस खेत के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार घर बनाऊंगा। तो चलो आप बिना देर किए फटाफट से काम में लग जाते हैं। घर भी हमारे घर का जो फ्रेम है ये बन करके तैयार है और गाइस इसी के ऊपर हम हमारे घर को बनाएंगे और इसको हम इन लकड़ी के डंडों पर खड़ा करेंगे। घर गाइस हमारी जो घर है इसका नीचे का स्ट्रक्चर बन करके तैयार है और इसको मैंने लकड़ी से बनाया है। चलो हम इस पर वजन टेस्ट करके देखते हैं कि ये मेरे वजन को उठा पाता है या फिर नहीं। हमारी इस वाले आइडिया ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया और हमारा जो पूरा जुगाड़ है टूट चुका है, इसने मेरे वजन को हैंडल बिल्कुल भी नहीं किया। तो चलो अब हम इस पूरे जुगाड़ को लोहे का बनाते हैं। इस बार में इस पर लकड़ी का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। पर गाइस जो हमारा घर है उसका फ्रेम पूरा बन करके तैयार है। अब हमें इस सीढ़ी को इस पर लगाना है और गाइस लिटरली इसको दूर से देखने पर ये बहुत ही मजेदार लग रहा है। पर जो भी हमारा घर है इसकी छत बन करके तैयार है। चलो अब हम इसकी दीवारों को बनाते हैं, वो भी कागज से। घर ये तैयारी हमारा कागज वाला घर बन करके और गाइस इस पूरे घर को मैंने इस कागज की मदद से बनाए हैं। चलो मैं आपको अभी इस घर को दिखाता हूँ और गाइस इस घर के चारों तरफ यहाँ पर पानी भरा हुआ है। क्योंकि यार लुक एट इसके अंदर का जो सीन है वैसे पूरा कागज का बना हुआ है और गाइस यहाँ पर मैंने नीचे लकड़ी की प्लाई का यूज किया है और गाइस इसके फ्रेम को मैंने पूरे को लोहे का बनाया है। पर गाइस लिटरली इस घर में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुकून है और गाइस इस घर के अंदर भी बहुत ज्यादा जगह है यहाँ पर। वैसे फिलहाल मैंने इस घर के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है और गाइस यहाँ पर मैंने हमारे इस गेट पर एक कुंडी बनाई हुई है कुछ इस तरह का जुगाड़ करके और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो लुक एट बाहर का नजारा। और गाइस बाहर एकदम पूरी हरियाली है, लेकिन गाइस इस घर की एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसके जो पैर है वो नीचे जमीन पर गड़ गए हैं गीला होने की वजह से, इसलिए इधर उधर हल रहा है। यार इस घर को बनाने में हमें 7 से 8 दिन का टाइम लगा था और गाइस इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी है। यार अगर आपको हमारा ये वाला जुगाड़ पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस तरह के मदद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।